दोस्तों, मैंने बहुत लोगों से सुना है ये कहते कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ या मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। तो क्या सच में ऐसा होता है? मेरा मानना है कि सच्चा प्यार अपने आप ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ या मैंने आपसे सच्चा प्यार किया है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लव इन लाइव। दोस्तों, सच्चा प्यार तो वहाँ होता है जहाँ मोह माया लालच कुछ नहीं होता, जैसे कि एक एहसास होता है, एक फील होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कि एक माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे के बिना लालच के, बिना मोह के, मतलब जो अपने सीने से लगाती है, तो उसके अंदर जो फीलिंग आती है ना, उसे मैं सच्चा प्यार बोलता हूँ। दोस्तों, सच्चा प्यार है ना, किसी से भी कहीं भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, मतलब इनसे तो सच्चा प्यार होता ही है। उसके बाद प्रकृति से भी आपको सच्चा प्यार हो सकता है। मान लिया आपने एक पेड़ लगाया, बहुत छोटा सा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे रोज़ पानी देते हो, ठीक है ना, और फिर अचानक से उसे कोई उखेड़ लेता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे और आपने उसे बहुत अच्छे से पाला पोसा था। दोस्तों, मान लो आप एक क्लास में बैठे हो और आपके दोस्त भी उसी क्लास में, और आपका दोस्त वो बुक लेके नहीं आया जो आपको अब पढ़ाई जाने वाली है। आपके सर ने आपसे बुक मांगी, पर आपके पास एक बुक है और आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है। तो भाई, अपनी बुक अपने फ्रेंड्स को देना, वहाँ होता है यार ये सच्चा प्यार। एक बहन सालों भर आपसे झगड़ा करने के बाद आपकी कलाई में जब राखी बांधती है ना, तो भाई वो होता है एक सच्चा प्यार। दोस्तों, एक जो पिता होता है ना, दिन रात मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालता है, उसके सारे शौक पूरे करता है, तो वहाँ होता है यार ये सच्चा प्यार। दोस्तों, सच्चा प्यार ना पैसा मांगता है, ना रंग रूप मांगता है। सच्चा प्यार तो बस दूसरे की खुशी मांगता है, जिससे आप प्यार करते हो, सिर्फ यही सोचते हो बस वो खुश रहे, कुछ सी भी हालत में सिर्फ वो खुश रहे। आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको ये परवाह नहीं होती, सिर्फ आप उसकी खुशी के लिए जीते हो। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ जीवन भर साथ चलने को राजी हो जाती है ना, वहाँ होता है यार ये सच्चा प्यार। भाई मान लो आप किसी लड़की से प्यार करते हो, बहुत दिनों से उसे चाहते हो, और वो अचानक से आपको छोड़ के चली गई। आप पता है क्या सोचते हो? यार काश एक बार मैं उससे मिल लेता, हमारा मिलन हो जाता। तो भाई वहाँ पे आपका सच्चा प्यार नहीं था, आप तड़प रहे हो उसके मिलने के लिए, लेकिन आपका सच्चा प्यार नहीं है, आप सिर्फ अपने लालच मोह के लिए तड़प रहे हो, उसके लिए नहीं तड़प रहे हो। और जहाँ यार सच्चा प्यार होता है ना, तो वहाँ सिर्फ आप यही सोचते हो, चलो कुछ भी हुआ बट वो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, जिसके साथ भी रहे खुश रहे, आप ये सोचोगे, तो वहाँ होता है यार ये सच्चा प्यार। दोस्तों, सच्चा प्यार ना दो तरीकों से होता है। जैसे मान लो आपने अचानक से किसी लड़की को देखा और आपके अंदर बहुत अच्छी सी फीलिंग आई और आपके दिल से कुछ भावुक शब्द निकले और आपको लगा कि यार ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, इसके साथ मैं अपनी लाइफ बिता सकता हूँ, तो वो होता है यार सच्चा प्यार। लेकिन दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे मान लिया आप कोई फ्रेंड है, आपकी ग्रुप में कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपके कॉलेज में कोई लड़की है जिससे आप बहुत अच्छे से बात करते हो, फ्रेंड जोन में बहुत दिनों से है, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन कभी उसके जाने के बाद मान लिया वो थोड़ा दूर चली जाती, किसी और से लव करने लगती, तब आपको एहसास होता है कि यार मैं इसके बगैर नहीं जी सकता, और फिर भी आप उसे बोलते नहीं हो, क्योंकि इसलिए कि वो किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये है यार एक सच्चा प्यार, एक तरह का एहसास है, एक फीलिंग है जिसे आप दिल से फील करते हो। आपका सच्चा प्यार वो है, जैसे आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो भाई आपका ये मेरे प्रति बहुत अच्छा प्यार है, बहुत सच्चा प्यार है भाई। लव यू ब्रो।